हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पेंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टडी बेस्ड MCQ। जैसे आप जानते हैं कि CBSE ने जो 9th ऑनवर्ड्स MCQs दिए हैं उसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है केस स्टडी, जिसमें केस कुछ दिया जाएगा आपको, कोई इंसिडेंट या कोई सिचुएशन दिया जाएगा, उसको रीड करने के बाद उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको जो अवेयरनेस आपकी एक्चुअल लर्निंग को ये दर्शाएगा कि आप रियल में कितना लर्न कर रहे हो या अपने आसपास की जो सिचुएशंस हैं उसके प्रति आप कितना अवेयर हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि केस स्टडीज को रीड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसमें केस को कैसे स्टडी करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उस केस पे डिस्कशन करने के बाद ही हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड ही आपको ये जो केस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मैंने अपना फोटो हटा दिया है ताकि आप इस केस को अच्छे से रीड कर सकें। पहला केस क्या है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट। इट इज इट्स वन ऑफ द मेजर फंक्शंस इज टू मेंटेन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आल्सो इट इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का, और फॉरेन एक्सचेंज को भी जो है RBI द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इन अदर वर्ड, इट इज द सेंट्रल बैंक्स जॉब टू कंट्रोल अ कंट्रीज इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करना RBI का काम है। इफ द इकोनॉमी इज मूविंग स्लोली और गोइंग बैकवर्ड, अगर स्लो है इकोनॉमी और बैकवर्ड पीछे को जा रही है, देर आर स्टेप्स दैट सेंट्रल बैंक कैन टेक टू बूस्ट द इकोनॉमी। इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, आगे लाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो सेंट्रल बैंक उठा सकता है। दीज स्टेप्स वेदर दे आर एसेट परचेजिंग, एसेट को परचेज करना मार्केट से, सिक्योरिटी या बॉन्ड्स को खरीद लेना, और प्रिंटिंग मोर मनी या नई मनी प्रिंट करके उसको इन्फ्यूज करना, जिसके से लोगों के पास क्या परचेजिंग पावर बढ़े, इनकम बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े, डिमांड बढ़े और इकॉनमी आगे को मूव करे। All involve injecting more cash into the economy. The simple supply and demand economic projection occur and currency will devalue. जैसे ही करेंसी ज़्यादा इन्फ्यूज की जाएगी तो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी, उससे क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। When the opposite occurs, इसके उल्टा अगर उसको कम किया जाए सप्लाई ऑफ मनी को, एंड द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, तेजी से बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक विल यूज वेरियस मेथड टू कीप दैट ग्रोथ स्टडी एंड इन लाइन विद अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज वेजेस एंड प्राइसेस। इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो उस समय एक जो रिस्क पैदा हो जाता है वो हो जाता है प्राइस हाइक का, वेजेस हाइक का, जिससे क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। तो उस समय भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए RBI स्टेप उठाता है। वट एवर द सेंट्रल बैंक डज और इन फैक्ट डोंट डू विल अफेक्ट द करेंसी ऑफ द कंट्री। RBI क्या करता है और क्या नहीं करता है, इसी से इकोनॉमी की जो करेंसी है वो इफेक्ट होती है। अगर वो सप्लाई बढ़ाता है तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, और कम कर देता है तो वैल्यू बढ़ सकती है। समटाइम इट इज विद इन द सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट टू पर्पजफुली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के इफेक्ट करना, ये RBI के इंटरेस्ट में, RBI की पॉलिसी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, इफ इकॉनमी इज हैविली रिलायंट ऑन एक्सपोर्ट, अगर कोई इकॉनमी ज्यादा एक्सपोर्ट पे
डिपेंड करती है, उसके ज्यादातर इनकम एक्सपोर्ट से आ रहा है एंड देयर करेंसी वैल्यू बिकम टू हाई। अगर उसकी करेंसी की वैल्यू टू हाई हो जाएगी तो उसके इम्पोर्टर्स, जो इम्पोर्टर कंट्री जो उस देश से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो उसकी कम सप्लाई मांगेंगे, वो उसकी सप्लाई को कम करेंगे, वो ज़्यादा सप्लाई सीक नहीं करेंगे, ज़्यादा सप्लाई की डिमांड नहीं करेंगे, वो उस कंट्री से ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवा सकेंगे क्योंकि उनको उन कंट्री के करेंसी के बदले ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। हैंस डायरेक्टली इफेक्ट द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस क्या है इसके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो है फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए कौन से टूल्स हैं? फिस्कल टूल्स, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स, क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स, बोथ बी एंड सी। कौन से हैं? बोथ बी एंड सी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। इसको आपको डिटेल में पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया था, उसमें मॉनेटरी फंक्शन जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आपसे शेयर किए थे। मनी सप्लाई इज ए डैश कंसेप्ट क्या है, ये भी आपको पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, इससे रिलेटेड भी, कि कौन सा स्टॉक होता है, कौन सा फ्लो, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि मनी सप्लाई किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जिसको मेजर किया जाता है दैट इज स्टॉक, और अगर टाइम पीरियड में किसी वेरिएबल को मेजर किया जाता है दैट इज फ्लो। तो मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड टेक बाय द सेंट्रल बैंक इफ देयर इज एक्सेसिव राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो देशों करेंसी का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए आरबीआई को, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा, इस केस में देखा भी है। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स स्टॉक, तो आरबीआई को अपने स्टॉक में से जो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है उसकी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए, या डिमांड मोर और अदर फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ा देनी चाहिए। अलाउ कमर्शियल बैंक्स टू वर्क अंडर लेस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। उनका जो कमर्शियल बैंक पे जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज है उसको लेस कर दिया जाए, स्ट्रिक्ट कम कर दिया जाए। बोथ बी एंड सी सही आंसर है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो उसके आप पास है स्टॉक है उसको मार्केट में इन्फ्यूज कर देना चाहिए ताकि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो फिर अपने आप जो ये हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डाउन हो जाएगा। इसके अलावा इनमें से कोई फैक्टर ये काम नहीं करेगा। अगर कमर्शियल बैंक के पास तो फॉरेन करेंसी होती ही नहीं है, इसलिए अगर इनको लूज करेंगे लोगों के पास और पैसा आएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे और हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और बढ़ जाए और उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज है रेट है वो भी हाई हो जाए। तो अपने पास जो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी है उसी की सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। डियर मनी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विच इज यूज टू कीप द ग्रोथ स्टडी इन लाइन विद अदर इकोनॉमिक फैक्टर रेफर्स टू। डियर मनी पॉलिसी का मतलब है स्ट्रिक्ट मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर देना। इसको किस लिए? ताकि ग्रोथ है जो उसको इकोनॉमिक फैक्टर जैसे वेजेस प्राइस के साथ कंट्रोल रखना। तो इसको क्या कहा जाए, टाइटन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ईज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अलाउ कमर्शियल बैंक टू वर्क अंडर लेस स्ट्रिक्ट। तो ये सेकंड और थर्ड तो सेम ही हो गए हैं, तो लेकिन सही आंसर है डियर मनी पॉलिसी का मतलब है टाइट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसको लाइनअप रखना है, प्राइस इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, वेज रेट हाई ना हो जाए जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगे और इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाए, इसलिए हमें तेजी के समय अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया केस स्टडी टू।
रीड द फॉलोइंग केस स्टडी, ये वैसे ही पढ़ना है केस स्टडी टू। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऑन द बैक ऑफ हायर ऑयल एंड अदर रॉ मटेरियल व्हाइल इट मेंटेन द ग्रोथ फोरकास्ट एट 9.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 डिस्पाइट अनेमिक इन्वेस्टमेंट डिमांड। उसका मतलब क्या है कि बैंक ने ये उम्मीद जताई है, आरबीआई ने, ये उसका फॉरकास्टिंग है, ये इसका जम्पशन है कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइस और रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया है, जबकि हमने ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेड रेट रखा है 9.5% रखा है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, जबकि इन्वेस्टमेंट डिमांड एनीमिक है, कमजोर है। एनीमिक मीन जिसमें खून की कमी रहती है, उसको एनीमिक पर्सन बोल देते हैं। तो जब डिमांड अनेमिक है, कमजोर है, और तब भी हमने 9.5% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया है, आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांत दास सेड इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई माइट रिमेन द क्लोज टू अपर टॉलरेंस बैंड ऑफ 6%। हम 2 से 2 to 6, हम आरबीआई जो मानता है कि इन्फ्लेशन 2 से लेके 6 के बीच रहना चाहिए, तभी ये ठीक है, इन्फ्लेशन की दर ठीक मानी जाती है, लेकिन ये हाईएस्ट होनी चाहिए 6%। तो शक्तिकांत दास जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन की रेट इस समय में 6% के करीब रहेगी। सेंट्रल बैंक प्रोजेक्टेड सीपीआई एट 5.7% फाइनेंशियल ईयर 22 कंपेयर्ड इट अर्लियर प्रोजेक्शन 5.1। पहले हमने सोचा था 5.1 इन्फ्लेशन रहेगी, अब ये 5.7, जैसे कहा ना 6% के काफी नजदीक रहेगी, हायर बैंड के पास। द सप्लाई साइड ड्राइवर कुड बी ट्रांजिटरी व्हाइल डिमांड पुल प्रेशर रिमेन इनर्ट गिवन द स्लैक इन द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी डीले हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ेगी, और इसको तेज करने के लिए प्री एम्प्टिव मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स एट दिस स्टेज में किल द नेसेंट एंड हेजिटेंट रिकवरी। अब प्राइस एक तरफ तो हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइसेस जब बढ़ रही हो तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी चाहिए, जो आरबीआई को टाइट पॉलिसी अपनानी चाहिए प्राइस बढ़ने के लिए। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, जो नेसेंट एंड हेजिटेट रिकवरी इन ट्राइंग टू सिक्योर डिमांड जो बढ़ने की, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी डिमांड काफी डाउन चली गई थी, अभी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर अभी मॉनेटरी पॉलिसी को भी टाइट कर देंगे तो वो बढ़ने वाली डिमांड भी नहीं बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, इनकम और कम हो जाएगी, तो उल्टा इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाएगी। तो अब इकोनॉमी को भी आगे लाना है प्राइस, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी साइड ये क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्या किया जाए, दैट इज ट्राइंग टू सिक्योर ए फुट होल्ड इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशन। दास सेड क्रूड ऑयल प्राइसेस आर वोलेटाइल विद इम्प्लीकेशन फॉर इम्पोज्ड कॉस्ट प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन इनकम बढ़ने के कारण नहीं हो रहा, कॉस्ट हाइक होने के कारण हो रहा है। आरबीआई सेड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिवेटेड प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस बढ़ रही है, इसके कारण हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं। हाई पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विद देयर सेकेंड राउंड इफेक्ट, दूसरी बार इफेक्ट आ रहा है, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है कंटिन्यू टू इम्पैनेज एडवर्सली ऑन कॉस्ट कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। ऑल दो वीक डिमांड कंडीशन, जबकि डिमांड की कम है, डिमांड के कारण मैंने पहले भी कहा कि डिमांड के कारण कीमतें नहीं बढ़ रही, यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस हाइक हो रही है कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, पेट्रोल की, लॉजिस्टिक कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये सभी की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड पहले से ही वीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया तो डिमांड और कम हो जाएगी और जो इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्री है, वो डिप्रेशन में चली जाएगी। द प्रेस
weak demand conditions are tempering the pass-through of output prices and core inflation. इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. तो ये एक सिचुएशन है. आरबीआई प्रमोट ग्रोथ प्रोसेस ऑफ कंट्री, कंट्री के ग्रोथ प्रोसेस को कैसे प्रमोट किया जाए, बाय कंट्रोलिंग प्राइस लेवल इन कंट्री. इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुकी है. बाय चेंजिंग वेरियस इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को चेंज कर बढ़ा के या कम करके, या चेंजिंग इंटरेस्ट रेट के थ्रू, बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ा के, या ऑल ऑफ अबव. देखते हैं कौन सा. तो बाय चेंजिंग वेरियस इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई. कॉस्ट, इससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए प्राइस हाइक हो रही है. अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तब उससे क्या होगा, ये वेरियस, ये नहीं कि सभी तरह के इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमें डिमांड भी बढ़ानी है इसलिए वहां भी हमें इंटरेस्ट रेट कम करनी चाहिए ताकि लोग डिमांड करें. और दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जिनको कैपिटल की जरूरत है उनको भी कम रेट पे दे दिया जाए ताकि उनका कॉस्ट कुछ हद तक कम हो सके, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल, पेट्रोल, डीजल, ऐसी चीजों के कारण कॉस्ट पहले ही बढ़ चुका है. अगर फाइनेंशियल कॉस्ट को हम थोड़ा कम कर दें तो इससे कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है. और दूसरा, मनी सप्लाई बढ़ने से भी लोग डिमांड करेंगे और डिमांड भी इंप्रूव हो जाएगी. दूसरा है, व्हाई डज आरबीआई फिक्स द इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन का टारगेट क्यों फिक्स करती है? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. अगर प्राइस स्टेबल नहीं रहेंगी, बहुत तेजी से बढ़ेंगे या बहुत तेजी से कम होंगे, दोनों ही इकोनॉमी के लिए हानिकारक है, डेंजरस है. वो या तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूम ला देंगे जिससे प्राइसेस बढ़ सकती हैं, या डिप्रेशन भी ला सकते हैं. बाय इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर मैटर ऑफ कंसर्न. क्यों है? ये तो सीधा सा पता है, हर चीज की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट या जो रॉ मटेरियल, इन सभी में इसका, जहां भी इसका यूज होता है वो बढ़ जाएगा. इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर मेकिंग इकोनॉमी पोटेंशियल अनस्टेबल. उसके कारण जो इकोनॉमी है अनस्टेबल हो जाएगी. नेक्स्ट है केस स्टडी. रीड द फॉलोइंग केस स्टडी पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. इंडिया टोटल मनी सप्लाई M3 स्टूड एट द रुपीज 1,89,07,383 करोड़ एज ऑन अप्रैल 9, 2020, रिकॉर्डिंग ए राइज ऑफ 11.3% ओवर द सेम टाइम लास्ट ईयर. करेंसी विद द पब्लिक स्टूड एट 22 लाख 2 करोड़, सॉरी 27,87,941 करोड़, सॉरी थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा था. अप टू 16.7% ओवर द ईयर. डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक बैंक्स वर अप टू 70% एट द रुपीज 18,67,606 करोड़. टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स आल्सो अप 9.6% एट द रुपीज 14,42,5,545 करोड़. द बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक एट अप 5.1% ऑन द ईयर ऑफ 1,15,52,069 करोड़. हाउएवर दिस इंडिकेट्स मॉडरेशन फ्रॉम 7.2% एट द सेम टाइम लास्ट ईयर. तो ये डाटा मनी सप्लाई से रिलेटेड दिया गया है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हाउ डज इंक्रीज इन डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. जो बैंकों के पास इंक्रीज इन डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, तो ये क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इफेक्ट डालेगा? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस विल इंक्रीज. जितना डिपॉजिट ज्यादा होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना कम हो जाएगा. M3 इज कंसिस्ट ऑफ सी करेंसी कैश
डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो इसको हम एम थ्री में करते हैं। इसके लिए एक सही मेथड यही रहेगा कि एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर चारों को आप अच्छे से स्टडी करें और उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स। इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स जो है वो क्या शो कर रहा है? पीपल प्रेफर टू सेव मोर नाउ, इनकम लेवल ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, जितना इंक्रीज है उतना ही ज़्यादा सेव करेंगे। सही है ये भी, पीपल ज़्यादा सेव करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, इसलिए भी बढ़ रहा है। पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन बैंक अकाउंट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। पहले नोटबंदी हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास घर में पैसा था, तो उसको चेंज करवाने का कईयों को मौका नहीं मिला। जब चेंज करवाने गए तो बैंक ने पूछा कि ये पैसा कहाँ से है, तो इसलिए अब पहले से ही बैंकों में अपना पैसा रख रहे हैं ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आने पे आपके नोट आउट ऑफ यूज ना हो जाए। तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। इफ आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटी और बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, देन इससे क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज रैपिडली, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज स्लोली, क्रेडिट क्रिएशन विल डिक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो सही आंसर इसका है क्रेडिट क्रिएशन विल डिक्रीज, ये कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड्स और सिक्योरिटी मार्केट में सेल करने से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो सक कर ली जाएगी आरबीआई द्वारा, वो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या है क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा। केस स्टडी फोर, रेपो रीपर्चेज रेट आल्सो नोन एज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड मैक्सिमम 90 डेज। जो रेपो रेट है उस रेट को कहा जाता है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देती है, लेकिन ये उधार सीधा नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है कि अपनी कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं या बॉन्ड्स हैं वो उनके पास गिनवी रखे, प्लेज करें। तो जब वो प्लेज करता है उसके लिए उसको 90 दिन के लिए लोन दिया जाता है, जिसको रेपो रेट कहते हैं। व्हेन द रेपो रेट इंक्रीज बोरिंग फ्रॉम आरबीआई बिकम मोर एक्सपेंसिव, इफ आरबीआई वांट्स टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर द बैंक्स टू बोरो मनी इट इंक्रीज द रेपो रेट, सिमिलरली वो बढ़ा देते हैं। इफ इट वांट्स टू मेक इट चीपर फॉर बैंक्स टू बोरो मनी इट उसको रेपो रेट को कम कर देते हैं। इफ द रेपो रेट इज इंक्रीज बैंक कांट कैरी आउट देयर बिजनेस एट ए प्रॉफिट, वेयर एज दे वेरी अपोजिट हैपन व्हेन द रेपो रेट इज कट डाउन। जनरली रेपो रेट्स आर कट डाउन व्हेन एवर द कंट्री नीड्स टू प्रोग्रेस इन बैंकिंग एंड इकोनॉमी, जैसे कोविड में अभी कम किया गए थे। इफ बैंक्स वांट्स टू बोरो मनी फॉर शॉर्ट टर्म यूजली ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई देन बैंक्स हैव टू चार्ज दिस इंटरेस्ट रेट, बैंक हैव टू प्लेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कलेटरल, दिस काइंड ऑफ डील्स हैपन थ्रू अ रीपर्चेज एग्रीमेंट, उनको वापस लेना होता है। इफ ए बैंक वांट्स टू बोरो इट हैज टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट लीस्ट वर्थ 1 बिलियन, कुड बी मोर और बिकॉज ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट विच 5 to 10% ऑफ लोन अमाउंट, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एंड एग्री टू, ये एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर वो एग्री करता है रीपर्चेज देम एट 1.07 बिलियन एट द एंड, उसने 1 बिलियन का लोन लिया है और 1 बिलियन की सिक्योरिटी रखा है बैंक ने आरबीआई के पास, उसके बदले जब वो अपनी सिक्योरिटीज वापस रीपर्चेज करेगा तो उसको 1.07 बिलियन वापस देना, लिया कितना 1 बिलियन और वापस दे रहा है 1.07 बिलियन एट द एंड ऑफ पीरियड, सो बैंक इज हैज टू पे 70 मिलियन एज इंटरेस्ट। ये 0.07 बिलियन मीन 70 मिलियन एज ए इंटरेस्ट उसको पे करना है। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड रेपो रेट, क्योंकि अपनी जो वापस रीपर्चेज की है सिक्योरिटी, इसलिए इसको रेपो रेट कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ टूल रेपो रेट इज, तो ये है क्वांटिटेटिव टूल, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। रेपो रेट, बैंक रेट, ये क्या है सीआरआर, एसएलआर, ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये या राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये क्या है क्वालिटेटिव। व्हाई रेपो रेट इज कॉल्ड
ये परचेजिंग रेट क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एग्रीमेंट में ये होता है कि कमर्शियल बैंक हैज टू मेक एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज द सिक्योरिटी मॉर्टगेज विद आरबीआई। अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, जो अपनी सिक्योरिटीज पहले रखी थी, प्लेज की थी, कलेटरल की थी, उन्हीं को अपने एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने के बाद उसको रीपरचेज कर किया जाता है, तो इसलिए इसको रेपो रेट कहा जाता है। इफ इन इन्फ्लेशन कंडीशन परसिस्ट इन द इकोनॉमी देन वर्क शुड बी डन विद रेपो रेट। रेपो रेट क्या करना चाहिए? इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे अभी हमने पढ़ा था कि जैसे महंगा ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, डिमांड कम करना चाहती है आरबीआई गवर्नमेंट, तो वो रेपो रेट बढ़ा देगी, जिससे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लोग कम डिमांड करेंगे या अपनी जो इनकम है उसको सेविंग के रूप में रख के ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहेंगे। ऑन विच टाइप ऑफ बोरिंग रेपो रेट इज चार्ज बाय फॉर ए शॉर्ट टर्म, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो चार्ज करता है, दैट इज बैंक रेट। इसको वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, मैक्सिमम 90 डेज के लिए जो लोन लिया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा आरबीआई से, तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। केस 35, द इंडियन इकोनॉमी हैज डाइवर्सिफाइड क्वाइट सिग्निफिकेंटली एंड बीन ग्रोइंग रैपिडली सिंस 1991 एंड गेटिंग इंक्रीजिंग इंटीग्रेटेड विद द गोल ग्लोबल इकोनॉमी। देयरफॉर द फोर्थ जनरेशन 1991-2004 ऑफ इंडियन बैंकिंग सा लैंडमार्क रिफॉर्म सच एज इश्यू ऑफ फ्रेश लाइसेंस टू प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स टू इंफ्यूज कंपटीशन, देयर बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एज वेल एज एफिशिएंसी बाय लेवरेजिंग लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज। अब ये इसका मतलब क्या है कि 1991 में के बाद जब हमने ईज पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपना, एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया था, तो उस समय हमने जो बैंकिंग सिस्टम की फोर्थ जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो बैंकिंग जो जनरेशन फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है, पहली जनरेशन थी 1947 तक, जब आजादी से पहले ही कुछ बैंक डेवलप हो चुके थे। जब आजादी मिली तो वो बैंक आगे भी चले, लेकिन उनका जो यूज था वो कुछ बड़े फैमिलीज, बड़े घराने, जो बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज थी वही यूज कर रहे थे। आम लोगों से पैसा तो जमा किया जाता था, लेकिन प्रॉपर इंटरेस्ट का कोई सिस्टम नहीं था, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को था, एग्रीकल्चर वगैरह को नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये सेकेंड फेज 69 तक चला, फिर 69 में गवर्नमेंट ने सेकंड फेज को ख़त्म किया, बैंकों को प्राइवेटाइजेशन था उसको, उनका नेशनलाइजेशन किया, प्राइवेट बैंकों को अपने अधीन ले लिया, ताकि इनको सही रेगुलेशन, सही रूल्स बनाए जा सकें। और उन पहले दो चरणों में, दो स्टेजेस में किया, उन 69 में और 80 में, 2 बार 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया, और पूरा गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और इसकी ज़रूरतें बढ़ी, और गवर्नमेंट बैंक थे उनकी कुछ काम, उनकी भी कमियां सामने आई, तो 1991 में फिर प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस देने शुरू कर दिए, ताकि कंपटीशन हो और बैंक बढ़िया काम करें। अब 2014 से 13 के बाद अब क्या हो गया, और फास्ट हो गया है, अब स्मॉल बैंक्स, एनबीएससी, इनको भी लाइसेंस दे दिए गए, ताकि कंट्री के हर छोटे से छोटे एरिए तक क्रेडिट की फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके। तो ये 5 जनरेशन है। आगे इसको देखिए, इश्यूज लाइसेंस टू प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स टू इन्फ्यूज कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कपल्ड विद फंक्शनल ऑटोनॉमी, फोकस ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। जो सरकारी बैंक थे उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, बहुत सारी करप्शन भी थी, बहुत सारा उनका प्रोसेस भी स्लो था, इसलिए अच्छी गवर्नेंस, अच्छा सिस्टम देने के लिए ये किया गया। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल बेस एज पर बेसल नॉर्म्स सिंस 2014 द बैंकिंग सेक्टर हैज विटनेस्ड अडॉप्शन ऑफ द जैम, जनधन
योजना आधार को खाते से लिंक करना एंड मोबाइल बैंकिंग, ट्रिनिटी एंड इंश्योरेंस ऑफ लाइसेंस टू पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल बैंक्स, AU स्मॉल बैंक जैसे, और भी उदय और है एक, अभी ध्यान नहीं आ रहा, AU स्मॉल बैंक तो है, और भी इस तरह के छोटे छोटे स्मॉल बैंक जैसे बंधन बैंक जैसे है, माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हैं, ताकि दूर अब नॉर्थ ईस्ट के हर सेक्टर तक बंधन बैंक का अप्रोच हो चुका है, ताकि हर छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी बैंकों से एक रेगुलेटेड वे से लोन ले सके, ताकि वो जो पुराने शाहूकार जिनको कहा जाता था, लैंडलॉर्ड कहा जाता था, बड़ा इंटरेस्ट रेट 60% तक चार्ज करते थे और वो बहुत ज़्यादा होता था, जो आप एक छोटा किसान और छोटा व्यापारी उसको पे नहीं कर पाता था और फंस जाता था। इन चीज़ों को रोकने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए गए। तो ये टू अचीव लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, फॉर इंस्टेंट SFB हैव मोबालाइज्ड डिपॉजिट्स ऑफ 82,488 करोड़ एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट्स ऑफ 90,576 करोड़ टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और स्मॉल किसानों, छोटे एंटरप्राइजेस को 90,570 करोड़ के तक के डिपॉजिट दिए गए, उन तक डिपॉजिट्स आए हैं। नाइनटीन ट्वेंटी गिवन द करंट चैलेंज ऑफ ए बर्ज ऑनिंग पॉपुलेशन, जो बिल्कुल किनारे पे वीक, जिसको कहें वीक पॉपुलेशन, जिसको लोन मिलना बड़ा मुश्किल है या बहुत महंगा मिलता है, द ऑनगोइंग COVID-19 पैंडमिक एंड द वेस्ट इंटेंशन ऑफ शिफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस एज वेल एज सप्लाई वैल्यू चेंज फ्रॉम चाइना टू इंडिया एल्सवेयर, जो सप्लाई साइड है वो भी चाइना से इधर को शिफ्ट हो रही है, इट इज़ एसेंशियल टू से येस टू फिफ्थ जनरेशन, इसलिए हमें अपनी बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना था, फिफ्थ जनरेशन जो 2014 के बाद चालू हुई। दिस कॉल्स फॉर ए पैराडाइम शिफ्ट इन द बैंकिंग सेक्टर टू इम्प्रूव इट इज रिजिलेंस एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द नरसिम्हा राव कमेटी रिपोर्ट 1991 एज वेल एज डिस्कशन पेपर ऑन बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, द वे फॉरवर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2030 एम्फेसाइज्ड दैट इंडिया शुड हैव थ्री और फोर लार्ज कमर्शियल बैंक्स विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस अलॉन्ग विद फॉरन बैंक्स, द सेकेंड टायर मे कंप्राइज सेवरल मिड साइज लैंडर्स इंक्लूडिंग निश्चय बैंक विद इकोनॉमी वाइड प्रेजेंस। हमारे पास अब बैंकिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो गया है, तीन चार ऐसे बड़े बैंक जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस और सिटी बैंक, बाहर के जो बैंक भी है, इंटरनेशनल बैंक्स भी यहाँ काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम हमारे डेवलप हो चुका है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हाउ डज फाइनेंशियल इंक्लूजिंग प्रोग्राम जनधन योजना अफेक्ट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद कमर्शियल बैंक हैव इंक्रीज, जनधन योजना के कारण बहुत सारे लोगों ने खाता खुलाए, अब वो अपनी छोटी से छोटी बचत भी बैंकों में रखने लगे हैं, जब पहले वो पैसा अपने घरों में खाने के सामान के साथ किसी दाल में चावल में छुपा के रखते थे, लेकिन अब वो जनधन खाते खुलने से बहुत सारा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर 130 करोड़ जनसंख्या जमा करती है तो वो काफी हो जाता है, तो इसीलिए कमर्शियल बैंक्स के पास अब काफी फंड्स अवेलेबल हो गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैड मोबालाइज्ड डिपॉजिट्स 82,488 करोड़ एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट, इतना उन्होंने डिपॉजिट इकट्ठा किया स्मॉल फाइनेंस में और इतना क्रेडिट भी दिया, इतना लोन दिया, जमा इतना है, उधार ज्यादा दे दिया, देते इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। हाउ विल इट अफेक्ट इकॉनमी, तो क्या होगा इससे, सभी ग्रोथ ऑफ जो मार्जिनल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको इनकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पीपल, जो लोग हैं वो भी फाइनेंशियली अपने काम फाइनेंशियल सेक्टर में
इंट्रोड्यूस तो हो पाएंगे, इंक्लूजन हो पाएगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया में अब लोन फैसिलिटी मिलने से रूरल एरिया जो एग्रीकल्चर एरिया है वो भी डेवलप हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स आर मेड बाय गवर्नमेंट इन सेक्टर? सारा रिडक्शन इन मैंडेटरी रिजर्व्स, जो अपने पास मिनिमम रिजर्व रखने होते थे उनको कम किया, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन करने उनको काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, जो नियम थे उनको रिलैक्स किया गया। इम्प्रूवमेंट इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ाने के लिए प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस दे दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, ये भी एक तरह के क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ऐसे पेयर दिए गए होते हैं कॉलम वन और कॉलम टू, जिसमें आपको ये सही चुनना है। SLR फिक्स्ड बाय द कमर्शियल बैंक, नहीं, ये SLR है कमर्शियल बैंक द्वारा नहीं, RBI सेंट्रल बैंक द्वारा प्राइमरी फिक्स किया जाता है। प्राइमरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों मैच नहीं कर रहे। कमर्शियल बैंक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, नहीं, ये सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, तो ये सही है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग। एक बैंक ने दूसरे बैंक, हम क्या करते हैं कई बार, हमारे पास ATM SBI का और HDFC के ATM से पैसा निकाल लेते हैं, तो उन दोनों का लेन देन हो जाता है। हमारा पैसा SBI के पास था, ले लिया हमने HDFC से, वो पैसा हमारे ब्याह पे SBI देगा, तो सेंट्रल बैंक के थ्रू ये क्लियरिंग होती है। मैच द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन, ये है, ये मैच करना है, ये इसमें सही नहीं सिलेक्ट करना, मैच करना है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल, बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स विद RBI, तो ए का हो गया 3। कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को अपना कैश का एक पार्ट RBI के पास रखना पड़ता है, उसको कहते हैं CRR, तो ए का हो गया 3। मनी सप्लाई, टोटल करेंसी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी एट द पॉइंट, ये दो का बी और दो सही हो गए। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, तो ये होता है द रेट ऑफ रेट डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज या डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये हो गया थर्ड, सी का हो गया 4th, ये है सही इसका। रेपो रेट, द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटी, तो 4th का, तो इसमें सही ऑप्शन है 1st, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये था आज का हमारा टॉपिक, केस बेस्ड स्टडी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया है क्योंकि केस को स्टडी करने में टाइम लगता है, यही आपको क्वेश्चन पेपर में भी होगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए ताकि जल्दी से आप पढ़ पाएँ और जल्दी से बातों को समझ पाएँ, ताकि आपका कम से कम समय लगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।